आज की इस वीडियो में हम आप बताने जा रहे हैं कि कैसे आप गूगल क्रोम में फ्री वेबसाइट सर्फ कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां पर इंटरनेट नहीं है, या आपके पास इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, या आपके पास कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरनेट पैकेज वगैरह आपने नहीं लगाया हुआ, तो कैसे आप लोग फ्री वेबसाइट्स सर्च कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं चैनल आईटी हिस्ट्री। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई अभी ऑन है, अभी इंटरनेट चल रहा है। मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूं urdupoint.com, ये मैंने वेबसाइट सर्च कर ली है और ये इंटरनेट के साथ चल रही है फ़िलहाल। तो यहाँ पर आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है, वो ये करना है कि इस आपको स्क्रीन पर बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर थ्री डॉट्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे, आपने यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही आप लोग टैप करोगे तो बिल्कुल ऊपर देखें तो कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। स्टार बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है, एक आई बटन और एक क्लोज बटन है। तो ये जो एरो बना हुआ है इस पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, ये डाउनलोड अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके सामने इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ। ये मैंने वेबसाइट बंद कर दी है और अब आपके सामने मैं इस वाईफाई को भी बंद कर रहा हूँ। ये वाईफाई भी बंद हो गया। अब जो भी वेबसाइट सर्च करूँगा तो वो सर्च देखिए आप लोग, यहाँ पर आपने थ्री डॉट्स पर वो बिल्कुल वहाँ पर ही टॉप राइट कॉर्नर पर डाउनलोड्स में चले जाएं और यहाँ पर आपने जो डाउनलोड की थी वेबसाइट उसको ओपन कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये विदाउट इंटरनेट ये वेबसाइट ओपन हो गई है। बिल्कुल इसी तरह ये आप लोगों का काम आ सकता है। आप लोग अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर लें और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है तो आप लोग इस तरीके से अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को सर्फ कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी टिप और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।